नमस्कार, मैं पंकज प्रसून। दोस्तों, दिल्ली के आसपास एक बार फिर से किसान आंदोलन की तैयारी है। पंजाब के किसान मार्च करने लगे हैं और इस बार वो 6 महीने का राशन लेकर दिल्ली कूच कर रहे हैं। उनका कहना है कि 15 अगस्त जिस दिन ये देश स्वतंत्र हुआ था, उस दिन पूरे देश में ट्रैक्टर रैली निकाली जाएगी और पंजाब के तो हर जिले हर गांव में ट्रैक्टर रैली निकलेगी, दिल्ली में ट्रैक्टर रैली होगी। और पिछली बार जिस तरह की ट्रैक्टर रैली हुई थी उसके बाद ये खौफनाक है। जो किसान आंदोलन के बड़े नेता हैं उनका कहना है कि इस बार उनकी मांगे कुछ और हैं और बड़ी विचित्र मांगे हैं। एक किसान ने यह कहा कि जो 3 क्रिमिनल कानून मोदी सरकार ने पास किए हैं उसे निरस्त किया जाए। अब मेरी समझ में ये नहीं आया कि तीनों क्रिमिनल कानूनों से पंजाब के किसानों का क्या वास्ता है, वो इसे क्यों निरस्त करवाना चाहते हैं। वहीं कुछ किसानों ने यह कहा कि जो खालिस्तानी हैं एलिमेंट्स, उन्होंने उन्हें डरा धमका कर यहाँ लाए हैं और कहा है कि अगर हमारे साथ आंदोलन में शामिल नहीं होते तो तुम्हारे गाँव में तुम्हारे परिवार को और तुम्हारी हत्या कर दी जाएगी, कुछ भी अहित कर दिया जाएगा। इस वजह से भी कुछ किसान मार्च कर रहे हैं साथ में। तो अभी जुलाई अंत होने वाला है और पूरा अगस्त दिल्ली के लिए गहमा गहमी रहने वाला है। लेकिन बहुत बड़ा सवाल सोशल मीडिया पर पूछा जा रहा है, सवाल ये कि इस बार केंद्र सरकार क्या करेगी? क्या इस बार भी केंद्र सरकार किसान आंदोलन के साथ वैसे ही निपटेगी जैसे पिछले 2 बार निपटी है? शंभू बॉर्डर पर एक बार हरियाणा से पहले रोक दिया गया और दूसरी बार दिल्ली में आकर उन्होंने बहुत तोड़फोड़ मचाई, लाल किले पर तिरंगा तक निकाल कर फेंक दिया था। इस बार केंद्र सरकार क्या करने वाली है? और इसका जवाब कुछ लोग बेहद मजेदार दे रहे हैं। लोग कह रहे हैं कि मोदी सरकार से किसान आंदोलन हैंडल ही नहीं हो रहा। लोग कह रहे हैं कि जो सरकार पश्चिम बंगाल में अपने कार्यकर्ताओं को पिटने से नहीं बचा पा रही है, जो सरकार केरल सरकार के विदेश सचिव के नियुक्ति के फैसले पर कुछ न बोल पा रही है, जो सरकार खुलेआम ममता बनर्जी कह रही हैं कि हमारा बॉर्डर खोल दिया जाएगा बांग्लादेशियों के लिए, उस पर केंद्र सरकार मौन हो, वो सरकार किसान आंदोलन से क्या निपटेगी? और भी तरह तरह के कमेंट्स किए जा रहे हैं। बहुत महत्वपूर्ण बात है किसान आंदोलन की टाइमिंग। जब जब इस देश में 26 जनवरी या 15 अगस्त आने वाला होता है या जब भी आहट होती है कि पूरी दुनिया की निगाहें राजधानी दिल्ली पर रहेगी, तब तब इस तरह के आंदोलन होते हैं। जब डोनाल्ड ट्रंप राष्ट्रपति थे तब शाहीन बाग आंदोलन हुआ, पिछले 26 जनवरी को किसान आंदोलन हुआ और इस बार 15 अगस्त को एक बार फिर से किसान आंदोलन की तैयारी, दिल्ली को दहलाने की साजिश है। आपको क्या लगता है कि ये क्या अति हो रही है? किसकी तरफ से? केंद्र सरकार की तरफ से या किसानों की तरफ से? अगर किसान ये कह रहे हैं कि 3 क्रिमिनल कानून जो पास करवाए हैं मोदी सरकार ने उसे निरस्त किया जाए, तो क्या ये डेविएशन है जो पहले किसानों की मांगे थी? क्या मोदी सरकार सचमुच हैंडल नहीं कर पा रही है? और आपको क्या लगता है क्या करना चाहिए सरकार को? और आंदोलन का ये जो है इसका पॉलिटिकल एंगल भी है। कुछ लोग सोशल मीडिया पर ये कह रहे हैं कि जैसे ये सत्र शुरू हुआ उसके ठीक पहले राहुल गांधी विदेश गए थे और वहां उन्होंने सैम पित्रोदा वगैरह से मुलाकात की थी। कुछ लोग तो कह रहे हैं कि जॉर्ज सोरोस से भी उनकी बातचीत हुई, ये मुझे नहीं पता और इसका कोई फैक्ट चेक भी नहीं कर सकता। लोग ये कह रहे हैं, लोगों का आरोप यह है कि जब जब राहुल गांधी बाहर जाते हैं तब तब जब वो वापस आते तब तब यहां कोई ना कोई आंदोलन होता है और फिर राहुल गांधी का वो स्टेटमेंट याद आता है कि देश में किरोसिन छिड़का जा चुका है, सिर्फ माचिस मारने की देर है, तो फिर से किरोसिन छिड़कने की तैयारी है। इसका जवाब आपको देना है। 15 अगस्त जिस दिन देश स्वतंत्रता दिवस मनाएगा, जिस दिन कोई विदेशी मेहमान हमारे यहाँ चीफ गेस्ट बनकर आएंगे, उसी दिन देश की राजधानी दिल्ली में ट्रैक्टर मार्च की तैयारी है। आप खुद समझदार हैं, चीज़ों को समझते होंगे, अपनी राय बताएं कि अभी ये जो मार्च हो रहा है किसानों का, जिसे किसान आंदोलन पार्ट 3 कहा जा रहा है और 6-6 महीने का राशन लेकर बताया जा रहा है कि किसान निकल रहे हैं और जो तस्वीरें आ रही वो बेहद खौफनाक है, आपको क्या लगता है, क्या है इसके पीछे राजनीति? क्या सचमुच किसान अपनी जगह सही है? क्या सरकार अपनी जगह सही है? गलती किसकी है? आप अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। नमस्कार।